हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सटेंट। आज हम बात करेंगे लाइव प्रोसेसेस के बारे में। सबसे पहली बात, लाइव प्रोसेसेस क्या होती हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी लिविंग थिंग को अपने जीवन इस मतलब अपने इस अर्थ पे रहने के लिए कुछ प्रोसेसेस करनी पड़ती है। वो सारी प्रोसेसेस को हम लाइव प्रोसेसेस कहते हैं। यहाँ पे आपको कई सारी इमेजेस दिख रही होंगी, लॉयन की, बटरफ्लाई, बर्ड एंड अदर। ठीक है, ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं सबको कुछ ना कुछ प्रोसेस करनी पड़ती होगी अपनी एग्जिस्टेंस अर्थ पे बनाए रखने के लिए। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं वो प्रोसेसेस, वो फंक्शन जो परफॉर्म किए जा रहे हैं किसी भी लिविंग थिंग द्वारा अपनी एग्जिस्टेंस बनाने के लिए अर्थ पे, उन सारी फंक्शंस को हम लाइफ प्रोसेसेस के नाम से जानते हैं। ठीक, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल किसका लेंगे, बर्ड का। बर्ड फ्लाई करती है, मूवमेंट करती है, मींस वो लिविंग थिंग है। रॉक तब तक मूव नहीं करेगी, सपोज ये रॉक है, ठीक है, रॉक आर, ये तब तक मूव नहीं करेगी जब तक हम इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब ये नॉन लिविंग है। तो सिंपली हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो चीज़ मूवमेंट शो करती है वो लिविंग थिंग होती है, जो चीज़ मूवमेंट नहीं शो करती है वो नॉन लिविंग थिंग होती है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, ये फ्लाइंग फिश है, ये फ्लाई करेगी पानी के ऊपर, मीन्स वो मूवमेंट शो कर रही है, मीन्स ये लिविंग है। ठीक है, सेकेंड क्या है, ये हमारी टाइगर है, तो ये टाइगर भी मूवमेंट शो कर रहा है, जंप कर रहा है, मतलब वो लिविंग है। ठीक, ये ह्यूमन है, ये मैन है, ये सो रहा है, जरूर वो सो रहा है, वो अपने हाथ पैर नहीं हिला रहा है, बट वो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहा है, जिसकी वजह से जो उसका स्टमक का मूवमेंट होगा ऐसे ऊपर नीचे, मतलब वो मूवमेंट कर रहा है, मतलब ही इज अलाइव, वो लिविंग थिंग है। ठीक, ये बात हो गई एनिमल्स की। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमने क्यों उसको लिविंग थिंग की कैटेगरी में रखा है, हम ये जानेंगे। सबसे पहला फिगर देखिए, जो कि ये फिगर ए, यहाँ पे आपको एक प्लांट दिख रहा होगा जिसका नाम है मैमोसा पुडिका, जिसको हम लोग टच मी नॉट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो प्लांट है ये सेंसिटिव प्लांट है। फिगर बी में हम देख रहे हैं कि एक आदमी ने उसको उसके लीव्स को टच किया और वो फोल्ड हो गई तुरंत। ठीक है, लीव्स जो है वो फोल्ड हो गई है, जो वो फोल्ड हुई है ये लीव्स इनवर्ड की तरफ, ये मूवमेंट शो कर रही है, ये रिस्पॉन्स कर रही है। लीव पहले फैली हुई थी, जैसे ही आदमी ने टच किया वो मुड़ गई, उन्होंने कुछ ना कुछ मूवमेंट करा, इसकी वजह से हमने उसको, प्लांट्स को, हम लोगों ने लिविंग थिंग की कैटेगरी में रखा। अब बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल सनफ्लावर का। सनफ्लावर हम जानते हैं जैसे जैसे सन मूव करता है, जैसे जैसे ये सन मूव करेगा, जो फूल का जो मुंह होता है, जैसे सनफ्लावर के जो आगे का पोर्शन है वो सन की तरफ होता है, घूमा हुआ होता है, मतलब वो भी सन को रिस्पॉन्स कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसलिए वो लिविंग थिंग की कैटेगरी में है। थर्ड एग्जांपल बहुत बेसिक एग्जांपल है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं इस चीज को। कोई प्लांट उगाया हमने, ठीक है, कुछ समय बाद देखेंगे उसकी शूट बढ़ रही है, उसकी स्टेम बढ़ रही है, उसकी रूट बढ़ रही है, ठीक है, अंदर अंदर जमीन के अंदर रूट बढ़ रही है, मतलब वो ग्रोथ कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है, मींस ही इज अलाइव। बट अगर हम एग्जांपल ले, फिर से हम उसी रॉक का एग्जांपल लेते हैं, रॉक आर का, ठीक है, तो ये जो रॉक है ये हमारी अपने आप मूव नहीं करेगी, ये कोई ग्रोथ नहीं करेगी, ठीक है, ये कोई मूवमेंट नहीं करेगी किसी को भी, या फिर टच करने से भी इसके इसका जो शेप है वो बदल नहीं जाएगा, ये स्टिल है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, मतलब ये अलाइव नहीं है, ये लिविंग थिंग नहीं है, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, जब हम लाइव प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या चीज लिविंग थिंग है, क्या चीज नॉन लिविंग थिंग। अब बात कर लेते डेफिनेशन पार्ट की। तो सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइव प्रोसेस। The basic function performed by living organism to maintain their life on this earth are called life processes. ठीक है, सिंपली कुछ बेसिक फंक्शन किसी भी लिविंग थिंग द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हो अपनी एग्जिस्टेंस अर्थ पे बनाए रखने के लिए, उन सारे फंक्शंस को हम लाइफ प्रोसेसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और अगर हम सिंपल अदर वर्ड्स में बात कर ले, द प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे लाइव। ठीक है, अब बात करते हैं वो कौन सी प्रोसेसेस हैं, वो कौन से बेसिक फंक्शन हैं जो ज़रूरी हैं। ठीक है, सबसे पहला जिसमें आता है मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रिएशन, न्यूट्रिशन, दी सेवन प्रोसेसेस आर नेसेसरी। ठीक है, ये जितनी भी सातों प्रोसेसेस हैं वो बहुत नेसेसरी है हमें इस अर्थ पे रहने के लिए या जिंदा रहने के लिए कह लीजिए।
मूवमेंट नहीं करेंगे मतलब हम लिविंग थिंग है ही नहीं, ठीक है। अगर मूवमेंट नहीं करते हम लोग तो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो भी मर जाएंगे, सेंसिटिविटी नहीं तो भी मर जाएंगे, मतलब ये सारे सातों जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक। ये जो सातों प्रोसेसेस हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे लिविंग थिंग की, ठीक। इसको मैंने यहाँ थोड़ा बड़ा करके लिख दिया है, लिविंग थिंग कैन मूव बाय देमसेल्फ, ठीक है। लिविंग थिंग खुद मूवमेंट कर सकती है, सपोज ये मैन है वो मूवमेंट करेगा, ग्रोथ कर सकती है। पहले हम बच्चे होते हैं फिर उसके बाद बड़े होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाता है, हमें मेंटल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, दोनों टाइप की ग्रोथ होती है, ठीक। इस प्लांट में भी देख सकते हैं, पहले छोटा था, देन इसकी शूट बढ़ेगी, इसकी स्टेम बढ़ेगी, इसकी रूट बढ़ेगी, तो इट शो ग्रोथ, तो वो हमारा लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक एक फॉलो हो रही है। तीसरा क्या है, नीड ऑफ फूड एयर वाटर मतलब न्यूट्रिशन, रिस्पॉन्सेज एक्सक्रिएशन। लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस, दे हैव यंग वंस, ठीक है। लिविंग थिंग रिस्पायर एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। ये सातों जितनी भी प्रोसेसेस हमने ऊपर पढ़ी थी, सातों मेन प्रोसेसेस जो जरूरी हैं अपने एग्जिस्टेंस बनाने के लिए अर्थ पर, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं किसी भी लिविंग थिंग की, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। सिंपल वर्ड्स में समझते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है न्यूट्रिएंट्स को लेने की, मतलब मैंने सपोज एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ये एक केला दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे बनानास दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैंने ये बनाना खाए, ठीक है, बनाना खाए, उसके बाद फिर उसको खाना, उसको इनटेक किया, उनको खाया, उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसकी जितनी भी कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन्स विटामिन्स वाटर जो भी है वो सब मैंने यूटिलाइज किया अपनी बॉडी में, ठीक है। वो पूरी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। सिंपली समझ आ गया होगा आई होप। अब हम न्यूट्रिएंट्स पार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। अ न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ठीक। न्यूट्रिएंट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ सब्सटेंस, ये एक टाइम का सब्सटेंस होता है जो कि मतलब हम लोग सराउंडिंग से पा सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से पा सकता है। वो हम केले उगाते हैं वो भी अपने सराउंडिंग से पाते हैं, मिल्क अपने सराउंडिंग से पाते हैं, एग अपने सराउंडिंग से पाते हैं, ठीक है, पोटैटो अपने सराउंडिंग से पाते हैं। यही चीज़ें हैं कि हम फल सब्जी दूध सारी जितनी भी हमारी कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन विटामिन वाटर ये सारी चीज़ें हम अपनी सराउंडिंग से पा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली डिफाइंड किया, न्यूट्रिएंट एक टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो हम अपने अपने सराउंडिंग से पा सकते हैं और इन्हें हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं अपने अपने बॉडी की बायोसिंथेसिस के लिए, ठीक। आई होप आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। जो आपको ना समझ आ रहा हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए कि आपको किस बात पे प्रॉब्लम है, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। नाउ अब बात करती है, न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, बात करते हैं कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, कौन किस किस तरीके से न्यूट्रिशन लिया जा सकता है, ठीक है। तो दो तरीके, दो मेथड से हम लोग न्यूट्रिशन ले सकते हैं। सबसे पहला क्या है, ऑटोट्रॉफिक, दूसरा क्या है हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ प्रोक्यूरिंग और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देयर आर मेनली टू मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। नाउ सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। सबसे पहले इसके बाद पहले इस शब्द को समझते हैं, ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है, ठीक है। ऑटो मतलब सेल्स और ट्रॉफी मतलब न्यूट्रिशन। सेल्फ न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट को भी इंक्लूड कर सकते हैं हम, ठीक। ऑटोट्रॉफिक जैसे हमने इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो तरीका न्यूट्रिशन लेने का जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद पकाता है सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल द्वारा। सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट, ठीक है। तो अब इस ग्रीन प्लांट का एग्जांपल लेते हैं,
ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा हमारे एटमॉस्फेयर से, ठीक है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कैसे लेगा ये इस बात को हम थोड़ा शॉर्टली डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम आगे अपने फर्दर वीडियो में भी डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि लीव्स के ऊपर छोटे छोटे स्टोमेटल्स प्रेजेंट होते हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन अ सरफेस ऑफ लीव इज कॉल्ड स्टोमेटल पोर्स, ठीक है। छोटे छोटे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए काम आते हैं, मतलब जो छोटे छोटे छिद्र छिद्र इसमें लीव के सरफेस पे प्रेजेंट हो उनको हम स्टोमेटा कहते हैं, और ये हमारी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो वो इन स्टोमेटा या स्टोमेटल पोर्स के द्वारा ही हो पाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसने एटमॉस्फेयर से ले लिया, ठीक है, और जो पानी है वो रूट्स ने ले लिया ऑस्मोसिस के द्वारा सॉइल से, ठीक है, और सनलाइट लिया, क्लोरोफिल्स लिया, उसने एनर्जी सेव किया, ठीक है। उसकी वजह से उसने अपना फूड प्रिपेयर किया, ठीक, उसने खुद से फूड प्रिपेयर किया, उसने कहीं बाहरी कोई मदद नहीं ली, ठीक, सेल्फली प्रिपेयर किया फूड। तो इसको हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे, और ये खाली ग्रीन प्लांट्स ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ठीक। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पेज व्हिच इज अबाउट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। हेट्रो मतलब अदर्स एंड ट्रॉफिस मतलब वापस से न्यूट्रिशन ही होता है, ठीक। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब दूसरों से जो हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं दूसरों की मदद से, उसको हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। डेफिनेशन में आते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर इट्स फूड फ्रॉम सिंपल अनऑर्गेनिक मटीरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड इट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। समझ आ गया। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो तरीका होता है न्यूट्रिशन लेने का जिसमें जो कोई भी जीव होता है वो अपना जो फूड है वो खुद से नहीं बना सकता है, खुद से नहीं बनाता है, वो दूसरे दूसरे जानवरों पर या दूसरी चीजों पर डिपेंड होता है, दूसरे लिविंग थिंग पर डिपेंड होता है अपने फूड के रूप में, ठीक। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, हम ये बकरी को देख रहे हैं, बकरी क्या खा रही है, घास को खा रही है, ठीक है, ये बकरी घास खा रही है। आप लोग ये सोच रहे होंगे ये घास खा रही है ये तो किसी जानवर को नहीं खा रही है ना, तो इसका मतलब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे कर रही है, ये लिविंग थिंग खा रही है। हमने पहले ही पढ़ा था शुरुआत में कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी लिविंग कैटेगरी में ही होते हैं, तो वो लिविंग थिंग को खा रही है, मतलब ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रही है, ये खुद से अपना खाना नहीं बना रही है, ये दूसरों पर डिपेंड है, दूसरों पर आश्रित है, ठीक। अब इसका टाइगर के एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये शेर, तो ये हिरन को खा रहा है, मतलब ये दूसरों पे डिपेंड है, ये भी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एक जो बात आपको जो जाननी बहुत जरूरी है वो ये है कि जो जो जानवर या जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना ना बना पाते हो, दूसरों पे डिपेंड रहते हो, उनको हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, और जो प्लांट्स जो जीव जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। नाउ बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, क्या क्या हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मेनली तीन प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है वो हम जानते हैं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड बाय फ्रॉम डिकेइंग ऑन ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट डेड एनिमल रॉटन ब्रेड एक्सेट्रा। हम फिर से समझ लेते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी जीव अपना जो खाना होता है वो डीके ऑब्जेक्ट सड़े हुए जैसे सड़ा हुआ ब्रेड सड़ा हुआ प्लांट इनसे प्राप्त करता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने देखा होगा कि हम ब्रेड यूज करते हैं, ब्रेड में कई दिन तक छोड़ दो तो उसमें भूरी लग जाती है, उसमें कुछ व्हाइट व्हाइट से बैक्टीरियाज लग जाते हैं, वो डीके कर करके के धीरे धीरे करके पूरे ब्रेड नष्ट कर देते हैं। हम यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं, तो ये जो नष्ट हो रही है ब्रेड यहाँ पे, यहाँ कोई ना कोई तो उसे खा रहा है, तो वो कौन सा न्यूट्रिशन ले रहा है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन जो किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा लिया जाए किसी भी जैसे डेड प्लांट से या रॉटन ब्रेड इन सब चीजों से, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक।
अब बात कर लेते हैं हम पैरास्टेटिक न्यूट्रिशन की। पैरास्टेटिक न्यूट्रिशन एज नेम पैरास्टेटिक, कि वो दूसरों का, दूसरों की मदद से ले रहा है। सिंपली डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। द पैरास्टेटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट विदाउट किलिंग इट। ठीक है, पैरास्टेटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो और कोई भी जीव होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपना फूड लेता है दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर से लेता है उसको बिना मारे। एग्जाम्पल इस मच्छर से समझते हैं। ये मच्छर दिख रहा है हमें, एक मॉस्किटो दिख रहा है। मॉस्किटो हमें काटता है, हमारा खून सक करता है, हमारा खून पीता है, बट हमें मारता नहीं है। ये हमारे खून को फूड बना के यूज करता है। ये पैरास्टेटिक न्यूट्रिशन करता है, लेता है। ये लाइस आ गई, जू हमारे सर में होती है, ये भी वही करती है, हमारे सर का खून पीती है। बट हम इसके लिए होस्ट होते हैं, हम इसके होस्ट होते हैं, बट ये हमें बिना मारे अपना न्यूट्रिशन लेती है, पैरास्टेटिक न्यूट्रिशन। इसी तरह टेप वॉर्म की बात करते हैं। अगर हम एनिमल्स के अलावा प्लांट्स की बात करें तो इसमें प्लांट आता है कॉस्कुटा, जिसको हम अमर बेल के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, किसी भी प्लांट पे लिपट जाता है पैरासाइट के रूप में और उसका, उससे न्यूट्रिशन लेता है। ठीक, तो ये होता है हमारा पैरास्टेटिक न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन एंड इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन अब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिंपली बात करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन इस टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी आदमी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल खाता है। फॉर एग्जांपल मैन की बात करती है, मैन सेब खा रहा है, सेब खाने के बाद ये अपनी पूरी प्रोसेस करेगा, कुछ पांच प्रोसेस पे बेस्ड करता है, जिसमें सबसे पहला क्या होता है, इंजेशन, सेकेंड होता है डाइजेशन, थर्ड होता है अब्सॉर्प्शन, फोर्थ होता है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ होता है एक्सक्रिएशन। ठीक है, ये पांच प्रोसेस पे डिपेंड होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, पांच प्रोसेस के द्वारा किसी भी फूड को अपनी बॉडी में ऑब्टेन कर पाता है। ठीक, होलोजोइक न्यूट्रिशन ये होता है, ये ह्यूमंस में होता है, अमीबा में होता है, काओ में होता है, गोट में होता है, डॉग में होता है, मैन में होता है, सब में होता है। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये तो थी बात, हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब हम न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल, ये एक अलग वीडियो में बढ़ेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी एक्सटेंड को सब्सक्राइब करें।